बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस, पीएमएस में बार बार रिपीट होने वाले एमसीक्यूज पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। सो लेट्स बिगिन। पैसा अखबार किसने जारी किया? मुंशी महबूब आलम ने यह जारी किया था। शाजिया खुशक का तलब किस सूबे से है? तो वो सूबा सिंध से थी। पाकिस्तान के कौन से मशहूर सियासतदान और सहाफ़ी यरूशलम में दफन हैं? मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो हैं वो यरूशलम में दफन हैं, और फ़लस्तीन जो है उसमें ये यरूशलम वाक़िया है। तो फ़लस्तीन को अंबिया की सरजमीन भी कहा जाता है। टोक्यो ओलंपिक्स क्यों मनसूख हुई थी? कोरोना की वजह से। अब ओलंपिक्स कहाँ होंगी? जापान में। क्या में पाकिस्तान के बाद सबसे पहला अखबार जारी कौन सा हुआ था? तो वो अमरोज़ था। पाकिस्तान में जो सबसे पहला अखबार जारी हुआ उसका नाम था अमरोज़। ठीक है, तो ये जो जितने भी एमसीक्यूज़ हमने इस स्लाइड में पढ़े हैं, ये पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस, पीएमएस के पास्ट पेपर जो हैं उनसे लिए गए हैं, और ये बार बार पेपरों में रिपीट होते हैं। आपने इनको अच्छी तरह अपने माइंड में बिठा लेना है, याद कर लेना है, मेमोराइज़ कर लेना है, ताकि इनसे आपको फ़ायदा हासिल हो। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, जोलिनस को बाबा इल्म तशरीहुल अबदान कहा जाता है। बू अली सीना को इल्म दुनिया का अरस्तु कहा जाता है। दुनिया का अरस्तु किसको कहते हैं? बू अली सीना को। आबे हयात किस पैगंबर से मंसूब है? हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम से। बड़े सगीर की वाहद औरत बादशाह का नाम है रज़िया सुल्ताना, ये अल्तुतमिश की बेटी थी। अलबेरूनी ने जोग्राफिया से मतलब क्या वजह किए? लेटीट्यूड और लॉन्गीट्यूड, तूल बल्द और अर्ज बल्द। 655, 1999, 1097, 2009 में क्या कदर मुश्तरक है? ये सब ताक हैं। प्रोटेक्टर किस इलम के लिए इस्तेमाल होता है? ज्योमेट्री के लिए। मुग़ल बादशाह बाबर कहाँ दफन है? काबुल में। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किस ज़बान के अदाद हैं? ये रोमन लैंग्वेज के हैं। पहिया किस कुबी के बिना पर हरकत में मदद देता है? महवर के गिर्द घूमने की वजह से। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी कहाँ वाक़िया है? तो ये लाहौर में वाक़िया है। तो ये जो इस स्लाइड में हमने पढ़े हैं एमसीक्यूज, ये भी पीपीएससी पास्ट पेपर से लिए गए हैं, और ये बार बार पेपरों में रिपीट होते हैं, और इन्हीं में से पेपर बनता है। कभी वो पूछते हैं कि मुग़ल बादशाह बाबर कहाँ दफन है, वो कहाँ से आया था, तो जो उज़्बेकिस्तान फरगाना से आया था वो। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, 5 जनवरी 1948 को अक़वामे मुत्तहिदा ने तनाज़े कश्मीर के हल के लिए कश्मीर कमीशन कायम किया था। अक़वामे मुत्तहिदा यूएनओ जो 1945 में बनी थी, उसने पहली बार 5 जनवरी 1948 को कश्मीर कमीशन कायम किया था। यह आपने याद रखना है। 13 जनवरी 1948 को गिलगित और लद्दाख का वसी इलाका भारत से आज़ाद करा लिया गया था। 13 जनवरी 1948 को गिलगित और लद्दाख। 1 जनवरी 1949 कश्मीर में जंग बंदी का ऐलान, और अक़वामे मुत्तहिदा के कमीशन ने कश्मीर में राय शुमारी का ऐलान कराया। 11 अगस्त 1962 को आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू और कश्मीर लिबरेशन लीग का क़याम अमल में आया था। जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग कब क़याम में आई? 11 अगस्त 1962 को। 1962 में चीन भारत के दरमियान नीफा के सरहदी तनाज़ा पर जंग हुई थी। 1962 में किन दो ममालक के दरमियान जंग हुई थी? चीन और भारत के दरमियान। तो इसमें चीन को फतह हासिल हुई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, 1971 की जंग के मौका पर लीबिया ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। जब पाकिस्तान की जंग हुई थी 1971 में इंडिया के साथ, तो जो लीबिया मुल्क है ये भी एक इस्लामी मुल्क है, तो इसने पाकिस्तान की मदद की थी, और फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश अलहदा होकर 1971 में बांग्लादेश बन गया था, जो कि मशरकी पाकिस्तान था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड के एलन विलमेंट ने 22 फरवरी 1997 को भेड़ की क्लोनिंग की थी। पहली बार क्लोनिंग 1997 में हुई थी, और एलन विलमेंट ने की थी। बर्तानिया के मैरी कोट ने हेलीकॉप्टर 1909 में ईजाद किया। मैरी कोट ने किया था हेलीकॉप्टर ईजाद 1909 में। ये आपने याद रखना है, क्रोनोमीटर से वक्त मापा जाता है। मोहम्मद बिन मूसा बिन ख्वारज़्मी ने सिफर ईजाद किया था। जो ज़ीरो है वो मोहम्मद बिन मूसा बिन ख्वारज़्मी ने ईजाद किया। टेलीफोन ग्राहम बेल का तलक अमेरिका से था, उसने ईजाद किया। टेलीफोन ऑटोमेटिक स्ट्रोगर अमेरिका ने ईजाद किया था।
टेलीविज़न स्कॉटलैंड के जॉन बियर्ड ने 1926 में ईजाद किया था। टेलीविज़न जॉन बियर्ड ने 1926 में ईजाद किया। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस दरियाफ्त किया। अज़हरावी को इल्म जराहत का बानी कहा जाता है। इब्न अल हैशम को इल्मुल मनाजर यानी कि ऑप्टिक्स का बानी कहा जाता है। अल ख्वारज़्मी को मुसलमान रियाजीदान कहा जाता है। मुसलमान रियाजीदान अज़हरावी को इल्म जराहत यानी कि जो जराहत से मराद है आलात वगैरह जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं उनका बानी कहा जाता है। और इब्न अल हैशम को मनाजर यानी कि देखने के बारे में निगाह से तल्लक था, ऑप्टिक्स के बारे में था उनका इल्म। अब्दुस तारीदी ने 8 जुलाई 2016 को कराची में वफात पाई। मशहूर सोशल वर्कर अब्दुस तारीदी की आबीदी का क्या नाम है? अमीरर टू द ब्लाइंड। क्रेमलिन मॉस्को में वाक़ है। जनरल ज़ियाउल हक के 11 साल किसकी तसनीफ है? अज़र सुहेल ने लिखी है ये बुक, जनरल ज़ियाउल हक के 11 साल। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से बेनज़ीर तक किसकी बुक है? खालिद यजदानी की। सदर ज़िया 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर के करीब त्यारे के एक हादसे में शहीद हुए। ये बार बार पेपर में आता है। 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर के करीब सदर ज़िया का एक्सीडेंट हुआ था, हादसा पेश आया था, तो वहाँ पर वो शहीद हुए थे। लियाकत अली खां 1923 में मुस्लिम लीग के रुकन बने। लियाकत अली खां ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? 1923 में। अवामी शायर का लकब किसका है? नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मीनार लाहौर पंजाब में वाक़ है। मस्जिद महाबत खान कहाँ वाक़ है? मस्जिद महाबत खान जो है वो पेशावर में वाक़ है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट MCQs थे जो कि PPSC पास्ट पेपर से लिए गए हैं और इनको उर्दू में लिखा गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।